हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि वीडियो में टैग कैसे लगाएं, ठीक है, कहां से लगाएं। हम जब वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद हमको एक जो है टैग भी लगाना होता है, ठीक है। टाइटल लिखते हैं उसके बाद जो है टैग हमको लगाना होता है, उसके बाद हम सोचते हैं यार टैग हम कहां से लगाएं, क्या लगाएं, किसका कॉपी करें, कैसे लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ऐप बताऊंगा जिसको यूट्यूब ने खुद सजेस्ट किया है कि आप इस ऐप से जो है टैग लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों मैं उसी ऐप के बारे में बताऊंगा और आपको टैग भी वहां से निकालना भी बताऊंगा, जो आपका जैसे वीडियो आप कोई बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वीडियो में टैग कैसे लगाएं, ठीक है, किस तरीके का टाइटल होगा मेरा, वीडियो में टैग कैसे लगाएं, तो मैं उस टाइटल को जो है उस ऐप में कॉपी करूंगा तो वो जो है ऑटोमेटिक बहुत सारा टैग जो है आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है, रैंकिंग टैग वो ही जो रैंक कर रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है उस ऐप को मैं आप लोग बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक देता रहता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं कि वह कौन सा ऐप है जिससे हमको बहुत सारा टैग मिलने वाला है, तो ठीक है दोस्तों, तो चलते देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। तो दोस्तों हमको क्या करना है सबसे पहले, अब आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको ये करना है कि अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है, इस तरीके से प्ले स्टोर में जाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहां पर लिखना है यू टूल्स, ठीक है। इस तरीके से जब आप लिख लेंगे तो यहां पर देखिए सर्च का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक ऐप आ गया है, ठीक है, U Tools, ठीक है। इस पर हमको क्या करना है, इस पर इंस्टॉल कर पर क्लिक कर देना, हो जाए इंस्टॉल होने लगेगा, ठीक है, इसको हमको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इंस्टॉल हो जाएगा जब, तो मैं आप लोगों को इसका आगे प्रोसेस बताऊंगा, इसमें क्या कैसे करना है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, अगर स्किप करते हैं बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। और जो मैं बता रहा हूं ना, बहुत ही अच्छा ऐप है, आपको कहीं से टैग चोरी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें अपना टाइटल जो है लिख देना है, उसके बाद ये बहुत सारा टैग आपको जो है दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मेरा जो है इंस्टॉल हो गया है ऐप, अब हम इसको जो है ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर देखिए आप लोगों को ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए ये जो है अब ओपन होने लगेगा, तो थोड़ा सा एक दो सेकंड लगता है इसमें ओपन होने में, तो थोड़ा सा दोस्तों देखिए इस तरीके का जो है पूरा जो है एक डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, टैग एक्सट्रैक्टर, कीवर्ड, ठीक है, ऑल कंटेंट जनरेटर, ग्रो योर चैनल, ठीक है, रैंक चेकर, मोर टूल्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है कीवर्ड सजेशन पर, ठीक है, कीवर्ड सजेशन पर, कीवर्ड वही टैग्स जो आप टैग्स लगाएंगे उसको कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कीवर्ड सजेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, कीवर्ड सजेशन पर हम जो है क्लिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखिए इंटर कीवर्ड हियर लिख कर आ रहा है, इंटर कीवर्ड हियर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वही अपना जो है जो मेरा टाइटल है उसको हमको कॉपी कर देना लाकर या लिख देना इसमें, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि वीडियो इस तरीके से भी, जैसे कि दोस्तों यहां पर वीडियो में टैग कैसे लगाएं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैंने इस पर लिख दिया, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे जो है सेलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर हमको इंडिया कर देना है, ठीक है, इंडिया, यहाँ पर हमको INDIA लिख देना है। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर हमको क्या करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर इस तरीके का एक इंटरफेस खुल गया, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे मतलब लिखे हुए टैग्स भी आ रहे हैं, इस बार देख रहा है, दिखा रहा है कि आपका ये टैग कितना रैंक कर रहा है, ठीक है, तो 54% रैंक कर रहा है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। सर्च वॉल्यूम देखिए यहाँ पर मीडियम है, मैंने जो सर्च किया वो मीडियम है, ठीक है, और कंपटीशन लो है, ठीक है। अब हमको क्या करना दोस्तों, देखिए यहाँ पर
कीवर्ड्स दिख रहा है। इस कीवर्ड्स पर हमको जाना है और यहाँ पर नीचे बी वॉल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, बी वॉल कर लेना है, ठीक है। अब इसमें सबसे नंबर वन पे क्या टैग, मतलब ये मतलब रैंक कर रहा है इस टाइटल के माध्यम से कि टैग कैसे लगाएं, ये देखिए इसका स्कोर जो है 20 है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, इसको जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा हमको, देखिए यहां पर देखिए एक कोष्टक बना हुआ है, इस पर हमको टिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए जितना भी हमको टैग लेना है उस पर हमको टिक कर लेना है, ठीक है, जितना हाईएस्ट रैंक पर है उसको हमको टिक कर लेना है इस तरीके से। और अगर आप सब सारा ना टिक करना चाहें तो आपको जो टैग इसमें अच्छा लग रहा है उसको आप जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे आपको कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, देखिए यहां पर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना, ये हमारा जो है सारा टैग कॉपी हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको बैक कर लेना है, उसके बाद हमको जो है हमारे मोबाइल फोन में एक नोट्स का ऐप होता है, देखिए देखिए जैसे नोट्स का ऐप है आपके भी फोन में होगा, ठीक है, इसको हमको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद दोस्तों इसको अलाउ कर लेना है, अलाउ, ठीक है, अलाउ, ठीक है, अलाउ, इस तरीके से अलाउ कर लेना है। अब आप देखेंगे यहां नीचे जो है प्लस का आइकन दिख रहा है, ये देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर हमको जो है क्या करना है, ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद दोस्तों हमने जो कॉपी किया था टैग उसको यहां पर पेस्ट कर देना है, ऐसे एंटर प्रेस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, अब इसको जो है बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के बाद दोस्तों हमको क्या करना, दोबारा जाना है अपने वाईटी स्टूडियो में, ठीक है, वाईटी स्टूडियो में उस वीडियो को ओपन कर लीजिएगा जो अपना वीडियो डाल रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर वीडियो इसको डाल रखा है, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, पूरा नहीं देखेंगे समझ नहीं आएगा, मैं अभी एक एक बहुत छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका वीडियो खुल जाएगा, यहाँ पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग पता ही होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे टैग पर जाना है, टैग में जाना है, देखिए मैंने यहाँ पर टैग लगा रखा है, ठीक है। जैसे आपने टैग नहीं लगाया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जो है आपको क्या करना है, कॉमा लगा लेना है सारे में, जैसे यहां पर टैग ऐसे लगाएं, ठीक है, यहां पर सारे में कॉमा लगा लेना है आपको, ठीक है, कॉमा लगा लेना है इस तरीके से, सारे जितने जितने भी टाइटल है सब पर जो है, सॉरी जितने भी टैग है सब पर कॉमा लगा लेना है। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे, मतलब प्रेस कर देंगे तो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको सारा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब हमको दोबारा से वाईटी स्टूडियो में जाना है इस तरीके से। अब इसी टैग में हमको जो है इसको उठाकर थोड़ा सा प्रेस करके इसमें हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जितना भी टैग है इसमें आकर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से सारा है इसमें जो है टैग ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा हमको क्या करना है, इसमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे भी आप करते होंगे वीडियो को अपलोड उसके बाद सेव करते होंगे, सब कुछ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से सेव कर लेंगे, उसके बाद आपका वीडियो जो है पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस तरीके से आप भी अपने वीडियो के लिए एक टैग, मतलब वीडियो के लिए बहुत सारा टैग उस ऐप से ले सकते हैं, ठीक है। उस टैग वहां से जो टैग मिलता है आपको 100% रैंकिंग टैग होता है, ठीक है, वहां से ही सब लोग यूज करते हैं जिनका वीडियो पर अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, मैं भी उस ऐप से यूज करता हूं दोस्तों। फिलहाल मेरा अभी नया चैनल है, थोड़ा सा मेरे पर व्यूज डाउन है, अभी हमको 2-3 महीना काम करते हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस ऐप से यूज करते हैं तो आपका भी वीडियो अच्छा रैंक करेगा, जल्द से जल्द चैनल ग्रो होगा, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर आएंगे, ठीक है, लोगों के बीच में वीडियो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा समझ में भी आया होगा कि हमको आप कैसे टैग लगाना है, कहां से लगाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैंने आपको पहले ही बोला था, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।